laplace transform laplace transform is a powerful technique to replace the operation of calculus by operation of algebra for example with the application of laplace transform to an initial value problem consisting of an ordinary or partial differential equation together with initial condition is reduced to problem of solving an algebraic equation first we define laplace transform Laplace transform is defined as if ft be a function of t defined for all positive values of t, then the Laplace transform of ft denoted by L f t is defined by the formula Laplace transform of f t equal to zero integration of e to the power minus st ft d t. Where integrating limit is from 0 to infinity, provided this integral exists. Here s is a parameter which may be real or complex number. What we see here that Laplace transform of a function LFT is a function of S. यह हमारा जो होगा यह एस का फंक्शन होगा जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं एफ बार एस से एफ बार एस क्या डिनोट करेगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी नो वी आर गोइंग टू ऑप्टेन दस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम इलिमेंट्री फंक्शन सपोज वी हैव टू ऑपटेन दस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ई टू दावर माइनस ए टी स ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर माइनस ए टीक्वल टू हमारा डेफिनेशन क्या होता है अगर एफ टी का मुझे ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो यह बराबर होता है जीरो टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर जीरो टू इन्फिनी ई टू दावर माइनस एस टी एफ टी एफी के बदले में यहाँ क्या ई टू दी पावर माइनस ए टी सब्सटीट्यूट कर दिया ई टू दी पावर माइनस ए टू डी टी जीरो टू इनफिनिटी माइनस कॉमन ले लिए एस प्लस ए टू डी टी इंटीग्रेट की रिजल्ट आ गया इंटीग्रेटिंग लिमिट रखने के बाद हमारा वैल्यू आ रहा है इट मीन ट्रांसफॉर्म ऑफ पावर माइनस ए टी इक्वल टू वन बाय एस प्लस अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू ऑपटेन दस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन सेम प्रोसेस है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी एफ टी के बदले में क्या है ये हमारा टी टू दी पावर एन इसलिए मैंने लिख दिया जीरो टू इन्फिनिटी पावर माइनस एस टी टी टू दी पावर एन डी टी अब एस टी इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों ने एस टी इक्वल टू एक्स सब्सटीच्यूट किया है एस टी इक्वल टू एक्स सबूट करने पर यह इंटीग्री ये हमारा चेंज हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी एस टी के बदले में एक्स रखा है ई टू माइनस एक्स और t के बदले में हो जाएगा x बाय एक्स बाय टू दी पावर एन डी एक्स इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे s e पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स जिसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन बाय टू दावर एन प्लस वन बिकॉज वी नो जीरो गामा एन यह गामा एन का फॉर्मूला होता है इसलिए मैंने लिखा इसे गामा एन प्लस वन बाय एस टू तो दी पावर एन इट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू तो दी पावर एन इक्वल टू तो गामा एन प्लस वन बाय एस की पावर एन प्लस वन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड गोइंग टू फाइंड आउट दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इटी

इससे मुझे यह रिजल्ट मिल गया जब मैं इसमें इंटीग्रेटिंग लिमिट जब आप सस्टीट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिस कुछ फंक्शन का अभी हम लोगों ने लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर सपोज हमें एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हमारा क्या है जीरो पावर माइनस एस टी एफ टी डी अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो मुझे एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा वी आर गोइंग टू लिस्ट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंटरी फंक्शन ये सारे बेसिक फार्मूला है जिसका हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे सो so, आप लोग को इस फॉर्मूला को आपके मेमोरी में, में सेटअप कर लेना है मीन्स रट लेना है इस सारे फॉर्मूला को की जहां भी इसका यूज हो क्यूँकि हम लोग जैसे ही इसका सपोज यूज होगा तो हम इसको उसमें इंटीग्रेट करके इसका वेल्यू नहीं ऑप्टेन करेंगे जस्ट उस फार्मूला को हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये सारी इंपॉर्टेंट फार्मूला है